प्रतिशत कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का दोस्तों, इसमें कई टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, सबका सब क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। ये देखिए कह रहे हैं 70 का 20 प्रतिशत कितना होगा, 70 का 20 प्रतिशत। वैसे तो आप जानते हैं कि कैसे इसको प्रतिशत निकालते हैं, वो भी जान लेते हैं। जैसे आप निकालेंगे क्या, 70 का 20 प्रतिशत कह रहा है तो 70 को लिख लेंगे, उसके बाद जो है क्या करेंगे गुणा बनाएंगे 20 को लिख लेंगे, आप बटा बनाएंगे इस प्रतिशत को कैंसिल करके उसके जगह पर बटे में 100 लिखेंगे। इतना तो आप कहते हैं आप जानते भी हैं। अब क्या करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, आपका हो गया 7 × 14। अगर मैं कहूं कि सिर्फ देख करके ऐसी संख्या का आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, तब चलिए दोस्तों वो भी तरीका बता देता हूं। अगर इस तरीके की संख्या हो जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, यानी कि एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, मिला करके 2 जीरो हो रहा है, तो डायरेक्ट इस संख्या का गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो 7 × 14 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दोनों में एक एक जीरो है, यानी 2 जीरो हो गया, तो हमें इतना लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका कीजिए गुणा, यानी कि 22 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 88, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 220 का 40% कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इससे थोड़ा सा हट करके देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां पे कह रहा है, पहले कह रहा था कि 70 का 20%, अब कह रहा है कि 25% का 800 क्या होगा, यानी कि पहले प्रतिशत कर दिया, उसका पूछ रहा है कि 800 क्या होगा, या 700 क्या होगा, या 25 क्या होगा, 40 क्या होगा, यानी प्रतिशत पहले दे दिया और का लगा करके बाद में अगर संख्या को लिख दिया, तब दोस्तों कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको भी एकदम आसान ट्रिक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी है। अगर दोस्तों 2 जीरो बन रहा है इसमें भी, 2 जीरो देखिए बन रहा है इसमें भी, तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, तब भी कर लेंगे। यहाँ पर चूंकि 2 जीरो बन रहा है, तो 2 जीरो को खत्म कर दीजिए, डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 × 200, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकालेंगे, सेम यही काम इसमें भी करेंगे, भले प्रतिशत पहले लिख दिया हो और बाद में लिखा, तब भी अगर ऐसे जनरली जैसे निकालते हैं वैसे करके देख लीजिए। जैसे 25 है, प्रतिशत कह रहा है, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 से भाग देंगे तो 25 × 100 हो जाएगा। अब गुणे क्या करेंगे, किसका कह रहा है, का मतलब गुणा 200, क्लियर है। यहाँ पर देखिए कट गया, 25 × 8 कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया। इस तरीके से आप निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर डबल जीरो बन रहा है तो, अगर डबल जीरो नहीं बनेगा तो उसको भी दोस्तों बने नहीं होगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पर देखिए पहले इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद डबल जीरो नहीं बनेगा वो भी जानेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 80% का 90% कितना होगा, कह रहा है कि 80% का 90, यहाँ पे संख्या कुछ नहीं दिया है ना, कह रहा है डायरेक्ट 80% का 90% कितना होगा दोस्तों, प्रतिशत का प्रतिशत कह रहा है, तो आप जानते हैं वैसे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन तरीका जानिए कैसे निकालते हैं। 80 का पहले प्रतिशत खत्म करेंगे तो 80/100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भाग देंगे, देखिए यहाँ 0.8 आएगा, आ गया। अब ये जो 0.8 आया है, यानी 80% आ गया, आपने निकाल लिया, का कह रहा है 90%, तो इसका निकाल दीजिए 90%, यानी 90/100 कर देंगे, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, 0.8 × 0.9 हो जाएगा, यानी कि 0.9 × 72 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 80% का 90% इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो अगर बन रहा है तो डायरेक्ट 9 × 72 कर दीजिए, 72 कर दीजिए, और 2 अंक के बाद 10 दशमलव लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पे आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी ट्रिक सीखिए, बेसिक भी ट्रिक सीखिए, ताकि पता चले कहाँ से आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और इससे डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो भी है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर दिया तब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 था तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, सेम वही लगेगा, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे इसका आंसर निकालेंगे, सबसे बड़ा मसला वो है। यहाँ पर देखिए 25 का 15%, 2 डबल 0 था तो हमने क्या कहा कि सिर्फ डायरेक्ट गुणा कर दीजिए और दोनों जीरो को खत्म कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर डबल जीरो नहीं है दोस्तों, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसका भी क्या कर दीजिए, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। क्या कीजिए, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 25 × 5 आपका कितना हो जाएगा 125, 25 × 25, और आपका जो 125 में 12 बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा इसमें मिलेगा, तो दोस्तों 37 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस 2 अंक के बाद आपको 10 दशमलव लगा देना है, कितने अंक के बाद दोस्तों 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद इधर से दाहिनी तरफ से गिनेंगे तो ये आएगा, यानी कि 3.75, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट गुणा कीजिए, अगर 0 नहीं बन रहा है तो 2 अंक के बाद 10 दशमलव लगा दीजिए, बस यहाँ पे डबल 0 नहीं था, तो इस तरीके से निकालेंगे, ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब चलिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि कई अगर प्रतिशत निकालने के लिए कह दिया जाए, 305 का 20% का 25% कितना होगा, और भी आगे कह दिया 25% का 70% का 18% कितना होगा, यानी प्रतिशत पे प्रतिशत निकालना रहे तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन पहले बेसिक जान लेते हैं। यहां पर देखिए क्या करेंगे, 305 का कह रहा है कि 20%, तो 20% को हम खत्म करेंगे तो 100 से भाग देंगे।
अगर दोस्तों कितना भी आगे प्रतिशत बनता जाए, बस उस प्रतिशत को खत्म कीजिए गुणे के रूप में 25/100। अगर आगे और कुछ आएगा तो उसको भी मान लीजिए कि आगे कह दिया का 70%। इस तरीके से लगातार आता रहेगा, आप बस उसको गुणे के रूप में ऐसे प्रतिशत खत्म करके 100% लिखते जाइएगा। बस यही काम कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ काट दीजिए और जहाँ जहाँ जीरो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये आपका कट गया। अब ऊपर का आपको गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको करेंगे इसमें 25 × 50 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 350 होगा। 350 का जब गुणा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 10/67/50। ये आपका आ गया, लेकिन बटे में देखिए अभी आपका 10 बचा है, 100 बचा है 10/10, यानी कि 1, 2, 3, 4 चार जीरो गिन लेंगे, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो गया दोस्तों 10.675। दशमलव के बाद ये जीरो नहीं गिनते, बस यही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। मिलते हैं।